हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टेड अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ लुकिंग अराउंड. व्हाट इज़ द मीन ऑफ लुकिंग अराउंड? लुकिंग अराउंड मीन्स आस पास, यानी कि जो हमारी आस पास की जो वस्तुएं होती हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है. ये जो हमारी लुकिंग अराउंड की बुक है वो हमारी EVS की बुक है. ठीक है, सोशल साइंस की बुक भी आप इसे बोल सकते हैं, EVS की बुक भी आप इसे बोल सकते हैं. तो आपका जो लुकिंग अराउंड है वो आपकी SST की बुक या फिर आप बोलो EVS की बुक. ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका सुपर सेंस. तो हम आज जो आपका चैप्टर है सुपर सेंस उसी को पढ़ेंगे. सुपर सेंस क्या होता है? क्या होते हैं हमारी सेंस? हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी में भी कितनी सेंसेस होती हैं? फाइव सेंसेस होते हैं. तो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? आइज, नोज, टंग, स्किन. ठीक है, तो हम जो भी फील करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो सब हम किसके द्वारा करते हैं? हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं. तो ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो एनिमल्स की जो सेंसेस होती हैं उनके बारे में बताया गया है. ह्यूमन की सेंसेस आपको बता दी मैंने कितनी सेंसेस होती हैं, फाइव सेंसेस होती हैं. उसमें आप कुछ भी टेस्ट करते हो, फील करते हो, देखते हो, सुनते हो, तो आपका जो भी ये होता है ये सब आप ऑर्गन्स के द्वारा, जो आपकी सेंसेस होती हैं उसके द्वारा करते हैं. ये ह्यूमन बॉडी की होती है. और इस जो पूरा चैप्टर डिपेंड है वो पूरा का पूरा चैप्टर एनिमल्स की जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में बताया कि जो हमारे डॉग्स एनिमल्स हैं उनकी सुपर सेंसेस क्या क्या होती हैं. तो स्टार्ट करते हैं. हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कैसा हुआ है देखिए. यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योवर रोटी. कोई ईगल आती है, कोई आप अगर आप खाना खा रहे हो प्ले ग्राउंड में बैठ कर के और कोई ईगल आए और आपकी रोटी उठाकर चली जाए. जैसा आप देख रहे हो पिक्चर भी है, ऊपर एक ईगल है, बच्चे ये ग्राउंड में बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं. सेकेंड क्या है बाबू? As you walked softly past a sleeping dog, its near sort up at once. अगर आप किसी डॉग के पास, कोई भी डॉग सोया हुआ है, आप उसके पास से बहुत धीरे से निकलते हो, सॉफ्टली मैंने धीरे से पास करते हो, धीरे से निकलते हो और तब भी वो जाग जाता है. You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. और क्या आपने कभी ऐसा दिया? ये तो आपके साथ हुआ ही होगा, काफ़ी बार आपने देखा. अगर नहीं देखा है, नहीं आपको पता है, तो आप ये चीज़ करके देखना. ठीक है, आप कुछ भी मीठा, आप कुछ भी मीठा होता है जो आप गुड़ ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, कुछ भी हो जो आप ग्राउंड पे डालते हो, आपके ग्राउंड पे कुछ भी गिर जाता है तो आप देखते होंगे जो मीठा होता है उसके थोड़ी देर बाद ही उसके चारों ओर बहुत सारी आंट्स आ जाती हैं. वाई डज इट हैपन थिंक एंड टेल? क्यों होता है ये सब? कैसे सोचते हो आप क्यों होता है ये? तो देखिए, एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. जो हमारे एनिमल्स होती हैं उनकी बहुत सारी अलग अलग क्या होती हैं? सेंस होती हैं. दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील. वो क्या क्या कर सकते हैं? किसी के अंदर क्या होती है? सुपर सेंस देखने की होती है, किसी के अंदर सुनने की सुपर सेंस होती है, किसी के अंदर टेस्ट की होती है, स्मेल की होती है और किसी के अंदर फील करने की होती है. ठीक है, सम एनिमल्स कैन सी दियर प्रे फ्रॉम फार अवे. कुछ जानवर ऐसे होते हैं, प्रेमेंस होते हैं शिकार. ठीक है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपना शिकार जो होता है वो बहुत दूर से देख लेते हैं. आपने देखे होंगे ऐसे बहुत से जानवर होते हैं. सम कैन हियर इवन द फाइनेस्ट साउंड. फाइनेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल हल्की सी आवाज़. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत हल्की सी आवाज़ को, हल्का सी साउंड को भी सुन लेते हैं. सम एनिमल्स कैन फाइंड दियर फ्रेंड्स बाई दियर स्मेल. और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को अपनी स्मेल से जान जाते हैं. द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंस. जो एनिमल वर्ल्ड है वो अमेजिंग सेंसों से फुल है. जैसे आप देखते हो जो ईगल है, ईगल बहुत दूर से देख सकती है, बहुत दूर से ईगल इतनी ऊपर उड़ती है और उसे अपना जो शिकार होता है, जो स्नेक अगर किसी ग्राउंड में भी पड़ा हुआ है तो वहीं से वो उठाकर ले जाती है. और डॉग होता है, डॉग में भी क्या होती है? स्मेल की सुपर सेंस होती है. वो स्मेल करके बता देख लेता है कि क्या कहाँ क्या है. हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? जो आंट है वो अपने फ्रेंड को
कैसे पहचानती है, रिकॉग्नाइज मैंने पहचानना। एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, इट सा ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। जब एक चींटी जाती है तो वो देखती है कि दूसरी साइड से बहुत सारी चींटियाँ आ रही हैं। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल, और एक जो चींटी होती है वो जल्दी से अपने होल के पास आ जाती है। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इन इट। वो क्या करती है, वो पहले देखती है गार्ड, जैसे कोई गार्ड होता है आप देखते हो सेफ्टी गार्ड, अगर हमारे घर के सामने बाहर खड़ा हुआ है या फिर आप किसी भी प्लेस पर जाते हैं जहाँ सेफ्टी गार्ड होता है, तो वो क्या करता है पहले आपको चेक करता है, देखता है आपके सब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर आपको अंदर एंट्री करता है। तो इसी तरह से वो जो आंट होती है वो भी एक गार्ड का काम करती है। तो अब इसमें देखो बेटा क्वेश्चन आंसर है, आपको क्या करना है, जो ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जो मैंने करा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में इसको लेसन नंबर फर्स्ट डालेंगे सुपर सेंस, उसके बाद आप करते जाएंगे। अभी आप क्या करेंगे, अगर आपके पास नोटबुक अवेलेबल नहीं है तो आप अभी अपनी रफ़ नोटबुक में ये आंसर लिखें, और आपकी जो बुक है जिसमें फिल करने के लिए स्पेस दिया हुआ है आप अपनी पहले अपनी बुक में फिल करिए, और जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है वो अपनी नोटबुक में ये पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट करें, ठीक है। अब रफ नोटबुक में पहले आप कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मेन नोटबुक में भी इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। कुछ टाइम के बाद हम एक ग्रुप बनाएंगे आपका अलग से फिफ्थ क्लास का, तो आपका जो होमवर्क है वो उसमें चेक किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसलिए अपना जो भी होमवर्क आपको मिलता है उसे कंप्लीट करते जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। चींटी कैसे पहचानती है, आंट कैसे पहचानती है कि वो आपके ग्रुप की नहीं है। जस्ट लाइक अस एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंस, जैसा कि आपको पता ही है कि जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट सेंस होती है उनकी। दे कैन सी हेयर स्मेल एंड फील। ड्यू टू दीज एबिलिटीज द आंट केम टू नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो इसी के कारण क्या करती हैं, इनके अंदर भी ऐसी अक्षमता होती है, एबिलिटी मैंने अक्षमता होती है कि वो अपने ग्रुप को पहचान लेती है। हाउ डिड द गार्ड एंड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट, और जो गार्ड चींटी होती है वो कैसे पहचानती है। सम एनिमल्स कैन फाइंड दियर फ्रेंड्स बाय दियर स्मेल। कुछ जो जानवर होते हैं वो अपनी स्मेल से पहचान लेते हैं अपने फ्रेंड को। द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज बाय द इट्स स्मेल। तो जो आंट होती है वो किससे पहचानती है, स्मेल से। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द आंट्स टू कम, कितना टाइम लगता है एक आंट्स को आने में। आप देखते हो उसमें दिया हुआ है आपकी बुक में कि कोई आप सुगर या जरी कुछ भी आप डाल दीजिए। जरी मींस क्या होता है, गुड होता है, सुगर मींस चीनी होती है। अगर आप ग्राउंड पे डाल देते हैं तो कितनी देर के बाद चींटियां वहाँ इकट्ठी हो जाएंगी। तो कितना टाइम लगेगा उससे, 15 या 20 मिनट्स। डिड वन आंट कम फर्स्ट एंड ग्रुप आंट्स कम टुगेदर। तो पहले क्या आती है बेटा, एक चींटी ही आती है। आप देखते हो कुछ भी आप डाल दीजिए उस पर पहले एक चींटी आएगी, फिर उसके बाद बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। आप इसका आंसर ऐसे भी लिखते हैं, फर्स्ट वन आंट केम देन ऑल आंट्स फॉलोड देम। व्हाट डिड द आंट डू विद द फूड, वो अपनी फूड के साथ क्या करती हैं, क्या करती हैं, वो अपने फूड को कहाँ लेकर जाती हैं, होल के पास, ठीक है। आंट्स कैरीड द फूड टू दियर होल। Where do they go from there? वो कहाँ जाती है, they go to their hole from there, वो अपने होल में ही जाते हैं। Do they move in a line? क्या चींटी जो होती है वो एक लाइन में चलती है, yes, they move in a line। तो आप अभी देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारी चींटीज बनी और एक पेंसिल दी हुई है, तो वो पूछता है कि अगर आपके नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव। आपको बताना है कि अगर कोई पेंसिल से आप चींटी का जो वे है वो ब्लॉक कर दोगे तो आंट क्या करेगी, क्या करेगी आंट करके देखना। जब काफ़ी सारी आंट्स एक लाइन में चल रही हो तो आप वहाँ पे पेन या पेंसिल लगा देना, तो क्या होगी, जो चींटी होगी वो पेन के ऊपर से ही जाना स्टार्ट कर देंगी। तो आंट क्लाइंब ऑन द पेंसिल बट मूव इन अ लाइन ओनली। वो क्या करेंगी, आपकी जो पेंसिल या पेन से जिससे आपने उनका ब्लॉक किया है रास्ता वो उसके ऊपर से ही चली जाएंगी। नाउ यू कैन गैस वाई द आंट्स बिहेव्ड Like that when you blocked their path. As the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. So when their path was blocked, ants tried to maintain their original path by following the scent. तो वे क्या करती हैं, अगर आप उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हो तो एक जो चींटी होती है जो आंट वहाँ से गुजरती है तो वो स्मेल छोड़ती है, इसलिए तो वो एक लाइन में चलती है क्योंकि वो स्मेल छोड़ते चले जाते हैं और वो दूसरी चींटी उस स्मेल को
करती हुई आगे चलती रहती है, तो वो ऐसा ही करती है। हैव यू एवर बीन ट्रबल बाई मॉस्किटो, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। मॉस्किटो कैसे ढूंढते हैं आपको? मॉस्किटो फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ अवर बॉडी। जो आपकी आपने देखा होगा अभी गर्मी अभी चल रही है तो बहुत सारे मॉस्किटो हो रहे हैं, तो जो मॉस्किटो होते हैं वो कैसे ढूंढते हैं आपको? आपके बॉडी की स्मेल से। ठीक है, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इज ट्राइंग टू स्मेल? आपने देखा है कभी कि कोई डॉग जो होता है वो स्निफिंग करता हुआ कभी इधर कभी उधर घूम रहा है? आप देखते हो डॉगी क्या होता है, हमेशा सूंघता रहता है कभी इधर कभी उधर, तो आपने कभी सोचा है वो क्या सूंघता है? यस आई हैव सीन डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, अ डॉग कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैड केम इन टू दियर एरिया बाई द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन। वो क्या करता है, वो जो उसका यूरिन होता है उसकी स्मेल से देख लेता है कि कोई डॉग यहाँ आया तो नहीं है। सो इन ऑर्डर टू चेक आउट देयर अदर डॉग हैज़ कम आउट और नॉट, अ डॉग स्निफ्स हियर एंड देयर, तो इसलिए वो इधर उधर सूंघता रहता है कि कहीं कोई दूसरा डॉगी तो उसके एरिया में नहीं आ गया है। इन वॉट वे डू ह्यूमन बींग्स यूज द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग? आपको बताना है ह्यूमन बींग्स जो है वो डॉग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वी यूज दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू कैच क्रिमिनल, रिकवर द स्टोनल गुड्स, सर्च आउट बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोसिव एक्सेट्रा। तो इट इज, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई भी चीज़ हमारी खो जाती है, आपने देखा है कभी आर्मी वाले जो होते हैं वो भी स्पेशल डॉग्स रखते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं उनके पास भी स्पेशल डॉग्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उन डॉग्स की जो हमारे जितने भी डॉग्स होते हैं उनके पास कौन सी सेंस होती है, सेंस ऑफ स्मेल, तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और वो क्या करते हैं क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए और जो चीज़ें हमारी खो जाती हैं उनकी स्मेल को ढूंढने के लिए डॉगी को भेज देते हैं। व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, लिस्ट सम एग्जांपल लाइक टेन नो बाय द स्मेल गोन बैड और समथिंग इज बर्निंग। बिसाइड स्माइलिंग द बैड फूड एंड स्मेल ऑफ बर्निंग, अवर सेंस ऑफ स्मेल हेल्प अस टू चूज गुड फूड, परफ्यूम, सोप, सेक्स स्टिक एक्सेट्रा एंड ऑल्सो टू फाइंड बाई क्लोथिंग इज स्टीनिंग ड्यू टू स्वीट। क्या होता है वो बताते हैं कि जैसे आप कोई भी गंदी चीज़ को जैसे आप सूंघ लेते हो तो आपकी कैसे हेल्प करता है, क्या फिर उसके बाद आप क्या करते हो, अच्छा खाना ढूंढते हो, आपको जो स्वीट की स्मेल होती है उससे भी स्वीट मैंने क्या होता है पसीना। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकोगनाइज ओनली बाई दियर स्मेल विदाउट सींग दैम। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके आप स्मेल से ही पहचान जाते हो कि ये कौन से हैं उन्हें देखे बिना। वी कैन रिकोगनाइज पेट एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, काऊ, बफेलो, गोट, एटीसी बाय दियर स्मेल। हाँ, वो पहचान जाते हैं। राइट द नेम्स ऑफ फाइव थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड फाइव थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। जो आप लाइक करते हैं स्मेल वो आपको इधर लिखनी है, जो लाइक नहीं करते हैं बेटा वो इधर लिखनी है। तो आप किस 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 करते हो स्मेल पसंद, फूड, परफ्यूम, फ्लावर, कॉस्मेटिक आइटम्स, इंसेंसेस स्टिक्स, और जिस जिसकी आपको फ्लिप डेथ एंड डिंग थिंग्स ड्रेन गटर बेड स्मेलिंग केमिकल्स। डू यू एंड योर फ्रेंड दियर सिमिलर आंसर? येस अवर आंसर आर मोर देन और लेस द सेम। आपको अब क्या करना है, साउंड्स एंड मैसेज, कि जो आपकी आवाज़ होती है वो भी मैसेज एक दूसरे को क्या करती है, मैसेज भेजते हैं। हाई अप ऑन अ ट्री लंगूर वार्न अदर ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपार्ड, द लंगूर डज नॉट बाई मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल। जो लंगूर होता है वो अपने साथियों को किसी की टाइगर आ रहा है कोई लेपार्ड आ रहा है तो उससे कैसे, लेपार्ड मैंने क्या होता है कहते हैं चीता कि वो आ रहा है, उनसे क्या करता है वो एक तरह का वॉइस क्रिएट करता है, एक तरह का साउंड क्रिएट करता है तो सबको उससे पता चल जाता है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल ऑफ टू वार्न अबाउट द डेंजर, और जो चिड़िया होती हैं वो ऑल्सो एक अलार्म करती हैं कि यहाँ पर डेंजर है। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। जो हमारी बर्ड्स होती हैं अगर एनिमी क्या है हमारा स्काई में यानी कि आकाश में है तो वो उसके लिए अलग साउंड क्रिएट करती हैं, और अगर हमारा ग्राउंड पे है कोई भी एनिमी तो वो उसके लिए अलग साउंड वो करती हैं। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और जो हमारी
स्पीसीज होती हैं वो भी कोई सिग्नल देती हैं. सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्यू और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम. और कभी कभी आपने देखा है कि कभी कभी जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो अजीब सा ही बिहेव करते हैं जब कोई भी या तो भूकंप आने वाला हो या कोई भी स्टॉर्म आने वाली हो. पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर. और जो लोग होते हैं वो पहचान जाते हैं जो जंगल में रहते हैं कि अब कोई डेंजर कोई खतरा आने वाला है. इन दिसंबर आप देख रहे होंगे छोटे से बॉक्स में क्या लिखा हुआ है. इन दिसंबर 2004 फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान आइसलैंड नोटिस द एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर. कि 2004 में क्या हुआ था कि जो हमारी एनिमल्स थे अंडमान आइसलैंड के उन्होंने अलग ही बिहेव करना शुरू कर दिया था. दे गैस सम डेंजर, तो वो उससे पहचान गए थे कि कोई डेंजर आने वाला है. सो दे मूव अवे टू अ सेफ पार्ट ऑफ द आइसलैंड. सून आफ्टर ही आइसलैंड वर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वर सेव. तो क्या हुआ था, जैसे उन्होंने एनिमल्स को देखा था जो हमारी फिशेज थी उन्होंने अलग सा ही बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था, तो वो समझ गए थे कि यहाँ पर डेंजर है, तो वो अलग जो हमारा पार्ट था आइसलैंड का उस पर चले गए थे, तो वो सब सेव हो गए थे. डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर. जो डॉल्फिन होती है वो अलग ही अपना क्या करती है, साउंड क्रिएट करती है मैसेज के लिए. साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव ए स्पेशल लैंग्वेज ऑफ द अराउंड. वो कहते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इस बात को मानते हैं कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी अपनी बात करने की मैसेज करने का एक अलग ही क्या होता है. आपके जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर ये रहे. फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल्स? तो आप समझ सकते हैं, यस आई कैन रिकॉग्नाइज द साउंड्स ऑफ फ्यू एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, कैट, हॉर्स. समझ सकते हैं आप और भी बहुत सारे का, जैसे मंकी हुआ आप मंकी की आवाज़ को भी पहचानते हैं, पैरेट हुआ उसकी भी, बर्ड की आवाज़ को भी, ठीक है. पर वो क्या है आपके, वो आपके एनिमल्स नहीं हैं, वो आपके बर्ड्स में आ जाएंगे, ठीक है. डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच एनिमल्स? यस, सम पैट एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, ऑक्स, हॉर्स, पैरोट एक्सेट्रा कैन अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज एंड गेस्चर. तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट आपका जो बुक है उसमें एक टाइगर एक लेपर्ड बना हुआ है. तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है. यहाँ फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट एट देन मोस्ट ऑफ अस. आपको पता है कि जो टाइगर है वो रात को और अच्छे से जान देख सकता है. द टाइगर्स व्हिस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव. व्हिस्कर्स मैंने क्या होती है, मूंछ, जो ये आप देख रहे हैं ना मूंछ बनी हुई है टाइगर की, वो सेंसिटिव होती हैं. द मोमेंट ऑफ वेरिएशंस इन एयर, ये क्या करती हैं, एयर में जो वेरिएशंस होते हैं उन्हें देख सकती है वेरिएशंस. दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे. मैंने क्या अभी आपको बताया था, शिकार. तो ये हेल्प करती हैं उसकी जो अंधेरा होता है उसमें शिकार ढूंढ लेकर. टाइगर मेक डिफरेंट साउंड एंड डिफरेंट पर्पज व्हेन इट इज एंग्री और कॉल आउट ऑफ अ टाइगर. इट कैन ऑल्सो रोर और सिग्नल. इट इज रोर कैन बी हियर्ड अप टू 3 kilometers अवे. और आपको पता है जब टाइगर दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ 3 kilometers तक दूर तक चली जाती है. अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज शार्प, दैट इज कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टिंग ऑफ लीव एंड द साउंड ऑफ द एनिमल्स मूविंग ऑन द ग्रास. आपको पता है जो टाइगर है उसकी जो सुनने की जो अक्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, शार्प होती है, बहुत तेज होती है. और जो अगर ये कोई भी एनिमल होता है वो कोई भी साउंड अगर क्रिएट करता है हल्का सा भी, पत्तियों की आवाज़ भी होती है, तो वो उसे भी पहचान लेता है. द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड द हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड. और जो इसके ईयर्स होते हैं वो चारों तरफ घूम सकते हैं और वो उस साउंड को कवर कर सकते हैं. ईच टाइगर हैज इट्स साउंड एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स. प्रत्येक जो टाइगर होता है उसका अपना अलग से एक एरिया होता है. टाइगर मार्क दियर एरिया एंड दियर यूरिन. वो क्या करता है, वो जितना उसका एरिया होता है वहाँ पर अपना यूरिन
डाल देता। अ टाइगर कैन एट वंस केम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। अगर कोई दूसरा टाइगर वहाँ आता है तो वो उसके यूरिन से पहचान जाता है कि ये दूसरे टाइगर का एरिया है। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इन टू अनदर टाइगर्स एरिया। और एक जो टाइगर होता है वो दूसरे टाइगर के एरिया में जाना नहीं चाहता, नहीं जाता है वो। आपके जो क्वेश्चन आंसर इसमें, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर टाइगर इन द जंगल, तो ये रे बेटा ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ टाइगर इज फ्रॉम हंटर्स एंड पोचर्स विल किल देम फॉर देयर स्किन्स। बिसाइड्स दे आर थ्रेटन्ड बाय अदर पावरफुल एनिमल्स लाइक लायन। डेंजर आर ऑल्सो फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फाइबर्स एंड द ग्रोविंग इनबैलेंस इन नेचर। आपको पता है अगर जो हमारे टाइगर्स हैं वो ख़त्म हो जाए या मार दिए जाए, जो हमारे हंटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं क्योंकि वो उनकी स्किन को बेच देते हैं, और जो पावरफुल एनिमल्स है जैसे हमारा लोयन है वो लोयन को भी मार देते हैं और उसकी जो स्किन होती है उसे बाज़ार में बेच देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो हमारा पूरा वातावरण, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा इनबैलेंस हो रहा है। कैन ह्यूमन बींग ऑल्सो बी अ थ्रीट टू एनिमल्स, हाउ, कैसे, हाँ, यस ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ए थ्रीट टू एनिमल। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एक एनिमल की तरह ही थ्रीट करते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस पॉचिंग मैनी एनिमल्स हैव आइदर गॉन एक्साइटेंट और हैव कम टू स्टेज ऑफ एक्सटेंशन। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर दियर टास्क। जो हम जानवरों की तरह ही तो बिहेव करते हैं पूरे जानवरों के साथ, क्या करते हैं एनिमल एलिफेंट्स को मार देते हैं, किस चीज़ के लिए, उनके दांतों के लिए। टास्क मैंने क्या होता है, जो आपने देखा है उनके दांत बाहर जो होते हैं उन्हें टास्क बोलते हैं। रेन कोर्स फॉर दियर हॉर्न्स। टाइगर्स क्रोकोडाइल एंड स्नैक फॉर दियर स्किन्स। उन्हें किस चीज़ के, क्रोकोडाइल जो है हमारी टाइगर है, इन्हें किस चीज़ के लिए मारते हैं, स्नैक जो होते हैं उनकी स्किन के लिए। मास्क डियर आर किल्ड टू प्रिपेयर सेंट फॉर दियर मास्क। फर्दर ग्रोइंग ह्यूमन इंटरफेयर एंड डिस्ट्रक्शन टू फॉरेस्ट हैव ओनली एग्रेटिव डेंजर टू दीज एनिमल्स। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं। वे आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया। आपको ये क्या करना है, ये क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में तो नहीं है, पर ये क्वेश्चन फिर भी आपको करना है। इसमें क्या बताया गया, इसमें नेशनल पार्क के बारे में बताया गया जो इंडिया में है। तो देयर आर मैनी नेशनल पार्क इन इंडिया, तो बहुत सारे हैं, तो आपको उनका नाम लिखना है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, कजीरिया नेशनल पार्क असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है, नागरहोल नेशनल पार्क मैसूर में है, और पालनमू नेशनल पार्क कहाँ है, झारखंड में। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आपको ये सुपर सेंस जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से ही समझ आएगा। तो आपको ये पूरा वर्क करना है। थैंक्स फॉर लर्निंग, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर करा दिया जाएगा। आप अपना होमवर्क जो है वो टाइम से कंप्लीट करते रहें। थैंक यू।